गाइस आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्यूटी कैपिटल में और मैं हूँ पूजा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। तो फिर मैं आज आपके साथ एक मतलब ब्यूटी टिप शेयर करना चाहूँगी जो बहुत अच्छा है, एंड उस मतलब एक फेस मास्क भी शेयर करना चाहूँगी। मास्क मतलब मास्क ही कह लो, मतलब जो भी है, मतलब फेस पे आप उसको लगाएंगे तो आपका स्किन मतलब थोड़ा सा ब्राइट हो जाएगा, थोड़ा सा ग्लोई हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको लेना होगा लेमन, नींबू, आधा नींबू आप काट के ले सकते हैं उसका जूस। एंड उसके उसके अंदर हमको मिलाना है एक चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं है ये, बेकिंग पाउडर है। एंड इसको मिलाने के बाद ये कुछ ऐसा होगा, आपको इसको मिलाना है। ठीक है, आप इसको मिलाइए अच्छे से। मिलाने के बाद देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, आप चाहें तो नींबू से इसको फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर सब मतलब ये सब मोस्टली लोग ब्रश से भी अप्लाई करते हैं, बट ये फेस मास्क ना बेटर होगा कि आप इससे अप्लाई करें, मतलब बेस्ट है ये। जो चीज़ है उसके मतलब पूरा अच्छे से उसको निचोड़ निकालिए। हाँ, तो फिर इसको हम अपने फेस पे धीरे 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 ऐसे सर्कुलर मोशन में अपने फेस पे रब करेंगे। ओके, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं और वो पिंपल्स ओपन है तो बिल्कुल ही मतलब बहुत जलन करेगा, क्योंकि आपको पता है कि नींबू में एसिड होता है, तो थोड़ा सा बहुत थोड़ा क्या मतलब एक्चुअली बहुत जलन करता है। तो आप देखिएगा अगर ये मास्क वगैरह या फेस ब्राइट करने के लिए है, और किस चीज़ के लिए नहीं, आप फेस इससे बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा। आप इसे वीक में दो बार, ओनली दो बार, ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि ये बेकिंग पाउडर जो भी है नुकसान करता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं, आप इसको बस हफ्ते में दो बार अपने फेस पे, मतलब हर दो से तीन दिन के अंदर आप इसको अपने फेस पे लगाइए, रात को बेस्ट है। एंड लगा के और आंखों का ध्यान रखना, आंखों के नीचे लगाना है बट बहुत क्लोज नहीं जाना है इसके। एंड आप इसको ऐसे 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 करके पूरा अच्छे से फेस पे अप्लाई करिए। ठीक है, आप देख रहे होंगे कैसे करना है। इस तरीके से, ठीक है, ओके। आपको रिजल्ट बहुत 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 जल्दी देखने को मिलेगा। आप इसको अगर रेगुलर रखते हैं वीक में 2 times ओनली, ज़्यादा भी नहीं, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर 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 आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आपका फेस ब्राइट होगा, एक अलग सा ग्लो आएगा फेस पे अगर आप इसको करेंगे तो। और आपको भी पता है कि नींबू में विटामिन सी होता है, तो वो तो बेस्ट है। तो बस इस तरीके से आपको स्क्रब करना है अच्छे से, 5 मिनट तक आप कर लीजिए। क्योंकि क्या है ना कि हम अपने फेस पे जब भी मसाज करते हैं, मतलब किसी भी प्रोडक्ट से थोड़ा सा, तो फेस ना काफ़ी लिफ्ट अप होता है, तो ये हमें करना चाहिए। तो ये हो गया, एंड इसके बाद हम 15 मिनट तक इसको रखेंगे, एंड उसके बाद फेस को वॉश कर लेंगे। तो मैंने अपना फेस कर लिया है वॉश, एंड आप देख सकते हैं आफ्टर वॉश मेरा फेस कैसा है। एंड बेस्ट पार्ट क्या है,
मतलब ये इतना सॉफ्ट स्किन हो जाती है, मतलब एकदम बेबी सॉफ्ट वाली स्किन हो जाती है। तो ये भी एक है, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आप एक और काम कर सकते हैं, क्या है मतलब खीरा लेके उसको काट के पतले पतले स्लाइसेस में एंड उसको फ्रीज़र में रख दें एंड उसके बाद उसको निकालें और अपने फेस पे पूरा मतलब अच्छे से अप्लाई कर लें या उससे मसाज कर लें, आपको बहुत ही फ्रेश फ्रेश फील होगा एंड स्किन को भी ठंडा ठंडा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं इसके बाद एंड उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाइए और सो जाइए। तो फिर ठीक है, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।